हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, दिवाली के बाद न्यू ईयर के दिन धन की देवी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती का चक्कर लगाती है। ऐसे में उनका स्वागत करने के लिए लोग विशेष रूप से घर की साफ सफाई करने के साथ घर को फूलों, दियों, रंगोली और तोरण के साथ सजाते हैं। इसमें खास बात करें तोरण की, तो इसे घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों पर लगाया जाता है और वास्तु के अनुसार किसी शुभ अवसर और ख़ास तौर पर न्यू ईयर के दिन लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तोरण लगाने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण होते हैं, लेकिन इनके बारे में नहीं जानते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूँगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि तोरण लगाने का क्या महत्व है। तो तोरण को बंधनवार के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है इसे घर के मेन गेट पर लगाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शुभता का प्रतीक माने जाने वाले तोरण को घर पर किसी शुभ अवसर पर लगाया जाता है। इसे खास तौर पर बच्चे के जन्म, शादी, गृह प्रवेश, मेहमानों का स्वागत, न्यू ईयर या कोई विशेष पूजा पर घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों पर लगाया जाता है। इसे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तनाव, लड़ाई, झगड़े दूर होता है और घर में खुशहाली भरा माहौल स्थापित होता है और उनके साथ में कारोबार, नौकरी से जुड़े परेशानियों का अंत होकर जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। और दोस्तों, तोरण को गेंदे के फूल, आम के पत्तों से तैयार किया जाता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि उनके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण कौन कौन से है। धार्मिक महत्व की बात करें तो गेंदे के फूल को सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जब धरती पर गुलाब, चमेली आदि बहुत से फूल होने के बावजूद भी गेंदे को इन सब में शुभ माना गया है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में इसे स्थूल पुष्प कहा जाता है। इसे शुद्ध का प्रतीक माने जाने के कारण देवी देवताओं की पूजा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके साथ ही इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। ऐसे में इसे तैयार तोरण को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर इसके पीछे के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो इसके लगाने से वातावरण शांत होता है, इसकी खुशबू से मन शांत हो जाता है और तनाव कम होने में मदद मिलती है। साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। गेंदे में एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण कीट मच्छरों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये बात हो गई गेंदे के पत्ते के तोरण के बारे में। अब बात कर लेते हैं आम के पत्ते के तोरण के बारे में। अगर आम के पत्ते के धार्मिक महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कलश नारियल रखने से पहले रखा जाता है और माना जाता है कि आम की पत्तियां भगवान के अंग और नारियल उनके सिर को दर्शाता है। आम के पत्ते से तैयार तोरण को घर पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। अगर वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो इसमें एंटीसेप्टिक गुण होने से तैयार तोरण घर पर लगाना सेहत के लिए अच्छा होता है। और दोस्तों, आम की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से अवशोषित करने का काम करती है। इससे में रहने के लिए सही और शुद्ध वातावरण मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में लोग अलग अलग तरीके के तोरण लगाने लगे हैं। वो लोग अलग तरीके से घर को डेकोरेट करने के लिए मोतियों, आर्टिफिशियल पत्तों और रंग बिरंगी फूलों से बने तोरण का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि गेंदे के पत्तों के तोरण और आम के पत्ते के तोरण शुभ दिन पर क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, जिससे दूसरों को भी ये बात पता चले। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू।